अब सुबह हो गया और मैं चुपचाप चल करके चल दिया। जाने से पहले इस भिखारिन को मैं जगा देता हूं। अरे वो भिखारिन जगो और देखो अब सुबह हो गया, मैं अपने राज को जा रहा हूं। झोपड़ी से बाहर आओ। क्या बात है परदेशी जी? भिखारिन, अब मैं अपने राज को जा रहा हूं, इसीलिए मैं सोचा कि तुम्हें जगा दूं। परदेशी जी, आप जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगने के लिए चाहती हूँ। मांगो। परदेशी जी, आप जाने से पहले मेरी कोई निशानी देखी चाहिए मुझे। भिखारिन, इस समय जंगल में मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें कुछ निशानी दे करके जाऊं। और अगर तुम मुझसे कुछ निशानी मांग रही है, फिलहाल मेरे हाथों में एक मुद्रिका है, ये मुद्रिका तू रख लो। क्यों परदेशी जी? खुश रहो, जा अपने झोपड़ी में जाकर के विश्राम करो और मैं सामने के रास्ते से अपने राज्य उत्तमपुर शहर को जा रहा हूं। मेरे स्वामी जी गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए और अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे स्वामी जी अपना माल जरूर आ जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। परदेश जाके परदेशिया जाके परदेशिया।
आइए स्वामी जी, आइए। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। लेकिन स्वामी जी अपने दरबार में कितना लोग टहलते रहते, देखते कितना कैमरा लगा हुआ है। लेकिन तू दरबार में आकर के क्या कर रही है? स्वामी जी मैं आप ही का इंतजार कर रही थी सर। मेरा इंतजार? यस। क्यों महारानी? इसलिए आप मुझसे वादा करके गए थे। कैसा वादा? किस जंगल से शिकार करके आऊंगा महारानी, तब तुम्हारे साथ में जाकर के सुहाग रात मनाऊंगा। अच्छा, तो चलिए अपने वादों को पूरा कीजिए। क्यों नहीं महारानी, मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो गया। चलो आज हम दोनों एक साथ मिलकर के आराम करते हैं। ये वादा न तो ये वादा न तोड़।